గుజరాత్ కచ్ ప్రాంతంలో సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని కచ్ ప్రాంతంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లను కలిశారు. సైనిక దుస్తుల్లో వచ్చిన మోదీ భద్రతా సిబ్బందికి స్వయంగా మిఠాయిలు తినిపించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా సరిహద్దుల్లో సైనికులతో దీపావళి చేసుకుంటున్నారు మోదీ. గుజరాత్ కచ్ ప్రాంతంలో సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని కచ్ ప్రాంతంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లను కలిశారు. సైనిక దుస్తుల్లో వచ్చిన మోదీ భద్రతా సిబ్బందికి స్వయంగా మిఠాయిలు తినిపించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా సరిహద్దుల్లో సైనికులతో దీపావళి చేసుకుంటున్నారు మోదీ. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. इतने अद्भुत केंद्र और प्रकृति की अद्भुत देन गुजरात में कच्छ और खंभात की खाड़ी के मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है. गुजरात के समुद्री तटों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों का पूरा इकोसिस्टम है. सरकार ने भी मैंग्रोव के जंगलों के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं. पिछले वर्ष लॉन्च की गई मिस्टी योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है. साथियों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा धोलावीरा ये भी शामिल है और वो तो हमारे देश के हजारों साल के सामर्थ्य की पहचान है. धोलावीरा में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व वो शहर कितने व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था. यही गुजरात के समुद्र से थोड़ी दूरी पर लोथल जैसे व्यापारिक केंद्रों ने भी एक समय में भारत की समृद्धि के अध्याय लिखे. लखपत में गुरु नानक देव जी की चरण रज है. कच्छ का कोटेश्वर महादेव मंदिर हो, माता आशापुरा का मंदिर हो, काला डूंगर पहाड़ी पर भगवान दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन होता हो, या फिर कच्छ का रण उत्सव या सर क्रिक को देखने का उत्साह, कच्छ के एक जिले में ही पर्यटन का इतना पोटेंशियल है कि टूरिस्ट को पूरा हफ्ता भी कम पड़ जाए. उत्तर गुजरात की सीमा पर नड़ाबेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर टूरिज्म लोगों में छाया हुआ है. हमें ऐसी ही हर संभावना को साकार करना है. जब ऐसे स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक आते हैं, वो भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. वो पर्यटक अपने साथ
राष्ट्रीय एकता का प्रवाह लेकर आता है और राष्ट्रीय एकता की ऊर्जा लेकर जाता है। और यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत कर देता है, अपने क्षेत्र में जाकर के भी कर देता है। यही भावना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करती है। इसलिए कच्छ और दूसरे सीमावर्ती इलाकों को हमें विकास के नए मुकाम तक लेकर जाना है। जब हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकसित होंगे, वहां सुविधाएं होंगी, तो इससे यहां तैनात हमारे जवानों का लाइफ एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। साथियों, हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है, जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। आज हर देशवासी अपना 100% देकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है।